those who are eternal associates of Radha and Krishna. That is actual truth. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. And you have your Thakurji in your home. What you cook, you give to him and to her, Radha and Krishna. And your little Gopal, yes? And Lord Nitai, Gauranga Mahaprabhu, keep on your altar, always serve them. And then gradually your bhakti will grow in your heart. And then you will live in Vrindavan always. I am not born here in India. I am born in America, this body. But previous life, I so many times connected with Krishna. That is why I have come in this life. So it does not matter where you come from. If you want to be in Vrindavan, anyone, anywhere in the world, anywhere in the universe. So we want to develop Krishna brain. We want Krishna brain. Because if you have Krishna brain, you will live forever. But if we only have these attachments to this world, family, our society, all of these things, then we have to take birth again. You will have some other body, some other family. So make Krishna your samsara. Krishna samsara karo, chariyana chara. Now what is it? Jive doya Krishna naam, sarva dharma sar. So everybody do this. Everyone should every day chant Hare Krishna on your japa mala and worship Krishna. Come to Mandir, hear Srimad Bhagavatam like you are going to do now. Oh, Chaitanya Charitamrita. Yes, very good. Oh, always hear about Krishna. Srinvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Vidyantaksto Yabhadrani, Vidunoti Subhritsatam. Krishna will clean inside of our hearts if we always hear and chant about him. So Gauranga Mahaprabhu has told this. He has given this order to everyone that Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kaloa Nastyeva, 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 Gatiram Yatam. No other way is successful. So you should chant and tell everyone else to chant. Wherever you live, all of your neighbors, all of your friends, all of your family members. अभी अभी श्री महाराज से श्रवण किया है।
श्री वृंदावन धाम की महिमा है। महाराज जी कह रहे थे मैं अमेरिका से 20 घंटा और लाख रुपया किराया दे करके मैंने वृंदावन किया है और आप लोग कितने पास में रह रहे हैं, इसलिए महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए आप सबको निमंत्रण दिया है। और गुरुदेव हर साल विदेशी भक्तों को बोलते थे तुम लोग सबके सब ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए, आप तो कोई यहाँ से महीना में कभी एक दो बार से आप जाओगे, लेकिन विदेशी लोग क्या करते थे अपना नौकरी छोड़ कर के आपका दो बार खोल लेगा नौकरी, लेकिन ये वृंदावन धाम तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग नौकरी कोई कोई नौकरी को छोड़ करके और कोई कोई अपना घर बेच करके वो वृंदावन धाम एक महीना ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आते हैं। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है और जहाँ पर से राधारानी रहती है, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मेश्वरादिस्वरूपदारविंद श्रीमात् पराग परमाद्भुत वैभवाया। वृंदावन धाम की महिमा कहते हैं कि वृंदावन धाम की इतने महिमा है जहाँ पर ब्रह्मा तक भी प्रवेश नहीं कर पाते। जब ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखाओं को चोरी किए, वो सोच रहे थे कोई ग्वाल वाला होगा, सखाओं के साथ में गैया चला रहा, लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चला हाँ ब्रह्मा जी जो बछड़े सखाओं को चोरी करके ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं वहां पर पहुंच गए और ब्रह्मा बन करके जो उनका चौकीदार था ना बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए मेरे जैसे कोई आया नहीं उसने मत देना, और कृष्ण स्वयं ब्रह्मा में निकल के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। जब स्वयं ब्रह्मा पहुंचे उनका जो चौकीदार था ना डंडे लेकर को मारने दौड़े उसको, ब्रह्मा बोले भैया मेरे नौकर मेरे को मारने की मारे, बोले हमारा ब्रह्मा था अंदर में प्रभु सही बता सखा में चोरी की, फिर ब्रह्मा जी बड़े तेजी से फिर वहां से आते हैं और वहां गए और यहाँ आते आते ना इसी मरते जगत का हो गया एक साथ। फिर देखा कृष्ण सखा को साथ कोई लीला कर रहे गैया चला रहे हैं बछड़े चला रहे हैं, फिर तो ब्रह्मा बड़े चक्कर में पड़ गए बोले क्या मैंने जिनको छुपाया था फिर क्या वापस ले आए, देखे नहीं जैसे को तैसे सोए हुए हैं, फिर ये सच ना कि ये सच है, जब एक साथ में दोनों का रत्न देखा भगवान ने दिखाया देखो ये जितने ग्वाल बाल सखा ये कौन है, बोले ये और कोई नहीं मैं स्वयं इसका रूप धारण किया, जहां देखे वहीं पर क्या है बोले चतुर्भुज धर इसके नारायण नारायण नारायण। फिर जब ब्रह्मा जी ये समझ गए कि बालक कोई साधारण नहीं, ये बालक कौन है बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदा नंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। क्या जिसको तुम्हें ग्वाल बाल समझ रहा था कौन है ये तो ये पूर्ण ब्रह्म है सर्व कारण का कारण है, सब कारण का कौन है मूल बोले कारण तो साहिब विष्णु जिनके सारे अवतार आते हैं, कहते उनका मूल कौन है बोले शंकर साहिब, वो उनका मूल कौन है बोले दाऊ भाई, बोले उसको मूल बोले कृष्ण करने है, ये सबका मूल का मूल कौन है ये कृष्ण भगवान बोले कृष्ण भगवान की ये समझ गए। फिर तो ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठे थे हंस वाहन के ऊपर में, प्रभु जी भी प्रभु जी है जिसने कृपा करके हमें ये ब्रह्म पद प्रदान की, फिर तो उन्होंने हंस वाहन से नीचे उतर गए, जब उन्होंने प्रणाम कर रहे थे उनको पता चला कि ब्रज रज कितने दुर्लभ है, ब्रह्मा जी ने देखा मेरा अगर एक अंग ही ये ब्रज भूमि को स्पर्श कर रहा है लेकिन जब तीन अंग ना ये बाकी रह गए, फिर तो ब्रह्मा जी वो धूल को पर लौट पौधे होने लग गए, बोले क्यों बोले मेरे शरीर ये ब्रज रज से अभिषिक्त हो जाए और मेरे जीवन धन्य हो जाए, लौट पौधे उठाने लग गए ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी बड़े सुंदर सुंदर भगवान को स्तुति करते हैं, इनका जो पहला स्तुति हम सुनेंगे ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या बोले नौ मिट दे अभ्रभ से तड़िताम्बराय
किसको भजन करेंगे?
बलकृष्ण को बलकृष्ण क्यों भजन करें, और भी तो दूसरे दूसरे ध्यान देंगे, और भी तो भगवान है, कहते कृष्ण भजन क्यों करोगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते बोले पुतना लोक बाला राक्षसी जिज्ञासया असाधी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम कृष्ण भजन क्यों करेंगे, और भी दूसरे दूसरे भगवान है ना, देखो कहा क्या कहते हैं। बोले पुतना जब मारने के लिए आई थी वो गिना रहे उस तंत्र में चार अपगुण था। पहला नंबर क्या, बोले पुतना मतलब कि हम पूत माने पवित्र और ना मतलब अंग्रेजी जो अपवित्र। दूसरे नंबर में बोले राक्षस थी। बोले तीसरे नंबर में बोले बच्चों का वर्णन कुछ थी। बोले चौथा नंबर में भगवान के लिए क्या लगने आई थी, जहर। उसका अंदर में कितने अपगुण हैं, एक कोई गुण नहीं, लेकिन हमारे कृष्ण कैसे। बोले जो ना आभगुण प्रभु देखा वो न काम कृपा माया आदि मृदुल स्वभाव। कृष्ण ऐसे हैं वो किसी की अपगुण को प्रति भी नजर नहीं रहता, उनकी गुण को पर नजर रहता है। उसने थोड़ी जो नाटक रचा है ना, बोले अरे इतने सुंदर लाला को तल्ले में चुला लिया हो, और उसको तो गोद को लेकर प्यार देनी चाहिए, कृप प्यार देनी चाहिए। उसने जो थोड़ी इतने नाटक रचा ही भगवान उसको कहाँ दे दिया, गोलक वृंदावन स्थान दे दिया उसको, है गोलक वृंदावन स्थान दे दिया। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं देखो कृष्ण कितने दयालु। पहला नंबर क्या था, पुतना मतलब जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं। कहते अपवित्र व्यक्ति को अगर भगवान इतनी उच्च सिंहासन दे सकते हैं, अगर ठाकुर का मंदिर में थोड़ी सी कपड़ा केवल कपड़े अच्छे पहन के आए, स्नान करके तिलक लगा करके केवल ठाकुर को घर में केवल अच्छे कपड़ा पहन के आए, ठाकुर क्या नहीं कहीं बताए। अगर अपवित्र व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान दे सकते हो, है। दूसरा नंबर भगवान के लिए लाए थे क्या, बोले जहर। अगर जो जहर लेकर के आई, अगर ठाकुर उसको गोलोक वृंदावन में दे सकते हैं, अगर भगवान के दरबार में कुछ नहीं कर खाली हाथ में केवल अच्छे भावना को लेकर के आज ठाकुर को हम दर्शन करने के लिए आए, जैसे हम लोग आ जाए ठाकुर हम प्रसाद पाने के लिए आए। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के लिए चलो आज हम जाते हैं एक फल लेकर के आते हैं, नहीं तो उनका कोई प्रिय वस्तु जैसे मक्खन मिश्री, ठाकुर को प्रिय मक्खन मिश्री, आज हम थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए मक्खन मिश्री ले करके चलते हैं। अगर इतने करके आ जाए ठाकुर उसको क्या कहेंगे, अगर पुतना को इतना बड़ा पोषण दे सकते हैं। बोले आई थी कौन, बोले राक्षसी, राक्षसी थी। अगर ठाकुर जी राक्षस को इतने पद भी दे सकते हैं, अगर कोई उनकी भक्त आ जाए कोई साधारण व्यक्ति आ गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ठाकुर जी इतने दयालु, इतने दयालु जो कि दयालु की अंतिम छोर है, इनके जैसे दयालु कोई नहीं। अब कृष्ण को वासना कोई भी आ गया ठाकुर कल्याण करें, कुंजा भी आ गई कुबड़ी, तीन जगह से कुबड़ी आ गई बस ठाकुर भी उसको भी ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। इसलिए कोई भी ठाकुर जी को वासना है ना, कृष्ण ऐसे हैं देवता हुए जिसको छोड़े नहीं, किसी को छोड़े नहीं, किसी रूप में तुम आ गए ठाकुर जी इसको अपना लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु आप कैसे, वो बोले अभ्रभु से, आपका जो रथ है वो काला मेघ जैसे रथ है, मतलब है। इसलिए कहते कृष्ण का रंग काला नहीं, कृष्ण का रंग श्याम, वो श्याम नहीं, वो स्वयं मेघ जैसे घनीभूत होने पर वो बरसात होती है दयालु। इसलिए कृष्ण श्याम थे, भगवान बड़े दयालु कृपा हुए, इसलिए श्याम। अभी प्रश्न है फिर ब्रह्मा जी भगवान का रूप को अभ्र प्रभु से प्रकट हुआ, काला मेघ रूप क्यों बताया, देखो इसका रहस्य क्या है। कहते ब्रह्मा जी ने अपराध किया था ठाकुर जी, उनको पता है मैंने अपराध किया, कृष्ण के सखा और बचपन हमने चलाया, इसलिए हम ठाकुर को चरण में अपराध किया। जैसे कोई अपराधी आएगा तो क्या करते, माफी मांगेगा, ठाकुर जी को माफ कर दो मैंने अपराध आपका चरण में,
इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी इसलिए अपर प्रभु से कह रहे हैं, उदाहरण देते हैं, एक चिड़िया होता है जिसका नाम चातक, एक चपरा एक चिड़िया होता है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो क्या पीता है? साथी नक्षत्र का पानी पीता है। जब आकाश से पानी बरसे ना तब भी वही पानी को पीने लगे तो कोई पानी नहीं पीता है। इसलिए उस चिड़िया हर समय कहता है प्यास हो, पानी 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 चित्कार करता रहता है, क्योंकि प्यास साधारण पानी को पिएगा नहीं, वो स्वादी नक्षत्र का पानी पिएगा, इसलिए चित्कार करता है प्यास हो, पानी पानी पानी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु को, मैं केवल चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपराध किए, इसलिए अपराध से मेरे जो हृदय है वो फटता है, जैसे कोई चिड़िया की हृदय फटता है, मेरे पानी दो पानी दो पानी दो, मेरे हृदय की मैंने पता है आपका बछड़े सखा हमने चुरा गया, आपसे हमने अलग कर दिया सखा बछड़े को। जब वहां पर बिजली चमकती है ना, जब उसमें बिजली चमक गई ना और साइनी आ जाती है और थोड़ा सुंदरता आ जाती है, उसमें जो मेघ में जो बिजली चमकती है वो थोड़ी समय तक चमक के अंदर अंदर चमक जाता है, लेकिन आपका शरीर में एक तो आप काले हो, लेकिन जब पिता बन पहनते ना वो स्थिर विद्युत, वो तो विद्युत हटा अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन भगवान के शरीर में कभी स्थिर विद्युत जैसे, मतलब भगवान को पितामह हर समय के लिए, मतलब उसी से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई आप स्थिर विद्युत आपके शरीर में, इसलिए बोले तड़िता वगैरह आया बोले गुंजाव तक सब, भगवान के कान में जो भूषण है ना, जो माला है, बोले स्थिर की बोले गुंजा फल की, गुंजा फल कहते हो जानते हो गुंजा फल क्या होगा? बोल तो कौन जानता है आत्मा, एक दो जानते, अब देखना जंगल में वो गुंजा फल होता है इतने छोटे 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 होता है, लाल रंग का काला रंग काला रंग, वो जंगल में वो फल मिलता है बिना पैसा की, वो जंगल से वो फल मिल जाती है, इसलिए भगवान गुंजा फल की कर्ण भूषण और माला पहनते हैं, भैया गुंजा फल कौन है? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दी है, एक गिरिराज शिला और एक गुंजा, महाप्रभु बोले रघुनाथ ये जो चीज दे रहा हूँ ना, जो गिरिराज शिला है स्वयं कृष्ण और ये गुंजा माला स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, इसलिए कृष्ण कहते हैं गुंजा फल पहनते हैं, राधा रानी भी जो भूषण पहनती है क्या भूषण पहनती है, बोले कृष्ण कथा रूपी भूषण है, मतलब राधा रानी के कानों में कृष्ण कथा छोड़कर और कोई चीज नहीं जाती, उसी तरह कृष्ण का कान में भी राधा रानी की कथा छोड़कर ना उनको कान में और कोई चीज प्रवेश नहीं करती, करती तो केवल राधा रानी की कथा, राधा रानी की महिमा, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है भगवान शिक्षा देते हैं, देखो मेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नहीं कोई बहुमूल्य वस्तु भगवान को पास में लेकर के जाओ तब भगवान खुश हो, बोले नहीं मैं तो केवल प्रेम का ही होता, केवल प्रेम ही मेरा सर्वस्व है, इसलिए कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए धूल ज्वलन के मेवा त्याग साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का ही होता प्रेम से तो कोई चीज, इसलिए कृष्ण गीता में चार चीज का नाम लेते हैं, बोले पत्र पुष्प फलम त्वयम् जो मैं भक्त्या प्रजयति, भगवान कहते भक्ति पूर्वक उन्होंने चार चीज का नाम दिया, पत्र ऐसे नहीं कोई बहुत पैसा दे करके कोई चीज लाभ में खुश हो, ऐसे नहीं बिना पैसा के जो साधारण चीज अगर प्रेम पूर्वक तो भी खुश हो जाता, जैसे पत्र पत्र किसने दिया था तुलसी, बोलो तो पत्र दे करके भगवान किसने खुश किया, अद्वैताचार्य, कौन बोल रहा है अद्वैताचार्य,
किसने किया था? अद्वैताचार्य जी ने बुलाया। किसने किया था? इसलिए कहते ना साग विदुर घर खाए, पता है क्या साग? इसलिए विदुर घर, जब विदुर आई उसने क्या किया, तो पत्ते देकर ठाकुर को खुश करते हैं। फूल पता, फूल देकर किसने खुश किया? गजेंद्र। सब बड़े बड़े पंडित बैठे हुए, इसलिए गजेंद्र ने एक फूल ठाकुर को दिया, पत्र खुश ना, मतलब फल दे करके। शबरी। इसलिए सबर ने फल देख खुश कर दिया, बोले बहुत ही जो स्वाद होता है, बोले आज खाए फल में पैर में जो स्वाद है, ये स्वाद वैकुंठ में तो कहीं कोई स्वाद नहीं आता है। पानी तो पानी के लिए बहुत खुश किया, और बोले सफेद, इसलिए पानी देखने के लिए भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य के लिए भगवान जो कर्ण भूषण और जो गले में माला ही गुंजा माला गुंजा तन सल परिपीय बल भगवान सर पर क्या लगाते मोर पत्र बल मौत कभी इसके पीछे पांच कारण बताए। अभी सुनो कथा के बाद फिर मैं पूछूंगा, ये पांच कारण बताए कृष्ण क्यों मोर पत्र लगाते हैं, और तो बहुत सारे पत्र हैं। पहला कारण बताए कि जो मोर है ये ब्रह्मचारी, ये कभी पत्नी से नहीं मिलता है, इसलिए ब्रह्मचारी भगवान ब्रह्मचारी थोड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए मोर पत्र लगाते हैं। बोले दूसरा कारण, बोले ये मोर पत्र किसी राधा जी के नाम लिखा, इसलिए जब तोता मीना में जो कढ़ाई हुई तोता लिखा मेरे श्याम सुंदर सर पर मोर पंख लगाते हैं। मैना कहती है तेरे को पता है कि मोर पंख क्यों लगाते हैं? बोले उसमें हमारे श्री ईश्वर जी के नाम लिखा है, इसलिए श्याम सुंदर सर पर लगाए। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले ये मोर कब नृत्य करेगा? जब आकाश में काला मेघ छाया और बिजली चमकी शब्द बना और बारिश को देखना, उसी समय ये मोर पंख फैला करके नृत्य करता है। कृष्ण देखने में कैसे, बोले तालाब देख जैसे पिता पर विदुर और जो सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं जैसा आवाज है। आप देखना जब कोई नृत्य करता है ना, हम क्या करते हैं, पकड़ से 10 रुपया 20 रुपया निकाल, नृत्य कब करता है जब कोई व्यक्ति सुख दुख में कोई नहीं नाचता, सुख में नृत्य करते हैं। कुछ देनी चाहिए, बोले मेरे पास में कुछ दे ही नहीं, क्या दो? हाँ एक चीज है मेरे पास में, पंख है। इतने में उसने पंख को झाड़ दिया और एक पंख गिरते ही, और ये प्रेम का उपहार है। कोई व्यक्ति अगर प्रेम की कोई उपहार दे तो क्या करते, प्रेम से ग्रहण करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर उठाया और सबसे उत्तम स्थान पर लगा दिया, इसलिए भगवान और धारण करते। कितना कारण हो गया? तीन हो गया। चौथा कारण बताए, कभी राधा मर गए, इसलिए आप लोग गए होंगे बच्चा वहाँ मयूर कुटी है जहाँ पर कृष्ण मौर और मौरवी व्यक्ति के नृत्य किए थे, इसलिए राधा रानी की स्मृति के लिए कृष्ण मौर को लगाते हैं। पंचमा कारण बताए, बोले कोई व्यक्ति जा रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर एक मौर को पकड़ा, पक्ष ने कहा कृष्ण मैं जिसको पीछे लगा था ना उसने मेरे को त्याग दे दिया, देख ये मेन रोड के ऊपर कैसे पड़ा, मेरी स्थिति देख रहे, बोले जिसको पीछे लगा हुआ था उसने मेरे को छोड़ दिया। कृष्ण कहते चिंता क्यों कर, तब मैं हूँ ना ये दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछने वाले ना, पूछने वाला मैं हूँ, इसलिए कृष्ण कहाँ लगा दिया अपने सर पे। मतलब क्या, जगत में किसी को जो पूछने वाले नहीं, अगर किसको कोई पूछने वाला है ना बहुत हमारे भाग नहीं है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री रमन बिहारी की, इसलिए बोले लसत उठाय, बोले वन्य सृजे, भगवान किस चीज की स्वीकार करते हैं? बोले वन्य सृजे, मतलब कृष्ण कहते हैं देखो मैं जो बैकुंठ में रहता हूँ ना, मेरी लक्ष्मियाँ कितने सुंदर श्रृंगार करती हैं, जब द्वारका में रहता हूँ महिषियाँ श्रृंगार करती हैं, लेकिन मेरा सबसे सुंदर प्यारा श्रृंगार किया, बोले मैं जो वृंदावन में, जब वृंदावन में जाता हूँ, जब ब्रज की गोपियाँ कभी तक कृष्ण के सखा, ये लोग कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। बोले किस चीज से? धीरे जवाब, बोले नहीं
बस पत्ते से और गौर के रंग से मेरे को बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो बनना सजे जो वृंदावन के पत्ते फूल में जो श्रृंगार है सबसे बड़ा श्रृंगार है। आप लोगों ने भी बांके बिहार गर्मी का समय में बांके बिहार देखे हो, देखना उनका शरीर में जो श्रृंगार होता है ना सारे फूलों की कली के, देखो फूलों की कली के, उनका दुपट्टा देखो, उनकी चादर देखना, उनकी वस्त्र देखना, उनकी चोटी देखना, देखना सारे चीज फूलों की कली से बनती है, सारे फूलों की कली से बनाती है और कितना सुंदर है। और जब देखना कितना सुंदर फूल की श्रृंगार कर फूल में पूरा सजा है, इसलिए कृष्ण कहते हैं बन सजे मेरे को सबसे सुंदर लगता है वृंदावन के ये फूल कली से जो श्रृंगार बन सजे बोले विशाल वेणु बजाते हैं क्या बोले बत्सल बोले बत्सल की बजाते बोले बत्सल में दो गुण अगर हमारे अंदर में दो गुण आ जाए ना भगवान वही बजना शुरू करते हैं। लेकिन पहला गुण क्या बत्सल में खाली अंदर से खोला है, दूसरा गुण क्या कृष्ण जैसे चाहते हैं वो ऐसे ही बजती है। ये दो गुण अगर हमारे अंदर में आ जाए बस हमारे भी कृष्ण हमें भी बजाए है। लेकिन हमारे अंदर में भगवान उस पास में तो आते हैं लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ ये सब चीज को लेकर भर के हम आते हैं। भगवान कहते भैया खाली दिल से था मेरे पास में तो पहले भर करके आए हो फिर मैं तुमको भैया क्या कैसे। और भगवान जैसे चाहे कि वैसे बजनी चाहे ना, लेकिन अगर भगवान एक तरह से चाहते ना हम दूसरे तरह से चलते। कृष्णा अगर बोले भाई इधर चलो हम इधर चलो बोले भैया फिर हम फिर कैसे बजा सकते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी ये बंसुरी का अपना शौक मानती है बोले देखो देखो कृष्ण ग्वाल हम ग्वाल कृष्ण की अधरा वृंदन हमारी अधिकार लेकिन देखो ये बंसुरी कैसे हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारा जो भाग तो यही सब कुछ पी रहा है। कृष्ण का होंठ कितना सुंदर है कितने सुंदर कृष्ण का होंठ एकदम बिंब फल जैसे लेकिन इसने सारे रस को ही पी रहा है। अब देखो कृष्ण का आदर कैसे काला हो गया कैसे पीला हो गया है। इसलिए कहते हैं ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे क्या सौभाग्य किया जो कि बंसुरी बन करके आए अगले जीवन में और हम ये राधा बन करके नहीं आऊंगी। चलो हम पौर्णवासी से पूछेंगे ये पौर्णवासी ये सर्वज्ञ ये सब जानती है ये बंसुरी ने क्या सौभाग्य की कि बंसुरी बन करके आए हम भी ऐसे सौभाग्य करके हम ये बंसुरी बन करके आएंगे और फिर राधा नहीं बन करके आओगे। इसलिए विशाल वेणु मृदुपदे कमल नेत्र भगवान के हाथों में क्या बोले दही चावल कभी दूध चावल है। भगवान कहते हैं चंद्र भी मेरे को छापान भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं लेकिन मेरे सबसे प्यारा भोजन क्या है बोले मेरे जो प्यारा भोजन है दही चावल और दूध चावल मेरे सबसे बढ़िया लगता है। इसलिए जगन्नाथ को जो है ना जगन्नाथ को दही चावल दूध चावल जगन्नाथ को भोग लगता है। इसलिए कहते मृदुपति पशुपाल जाए इसलिए भगवान जब वृंदावन में चलते ही वृंदावन इतने प्रसन्न इतने खुश हो जाते बोले क्यों कहते हर अवतार में भगवान पादुका ग्रहण किया लेकिन कृष्ण ही ऐसे अवतार लिए जब पादुका ग्रहण नहीं किया भगवान नंगे पैर में वृंदावन में घूमे। इसलिए भगवान जो बंसी ध्वनि करते थे अभी भी गिरिराज गोवर्धन में वृंदावन में भगवान का चरण का छाप रहा। जब भगवान चलते थे उनका चरण स्पर्श पा करके जो घास है बोले घास नहीं उसका प्रेम से उनका शरीर का जो लोग ही रंगट हो जाते हैं बोले ये झरना नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके उनको आंखों से प्रेम से आंसू बह रहे हैं आंसू बह रहे हैं। इसलिए झरना नहीं और भगवान का चरण जब हिलते थे ना गिरिराज अपना हृदय को बिछा देते थे अपना जीवा को बिछा देते थे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं सखा लोग बोलते हैं बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जोर से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए सखा लोग जय जयकार करते हुए चलते थे। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत अच्छी बात कहते हैं बोले क्या कह रहे हैं बोले कृष्ण कौन है कृष्ण कौन है बोले पशु पाप जाय
बोले पशुपा में जाए मतलब क्या, बोले पशुपा मतलब जो पशुओं को चराते हैं, बोले प्योर बोले श्री नंद बाबा, बोले अंग बोले उनसे जो जन्म हुए हैं ये कौन है, श्री नंद की लाला, इसलिए नंद के आनंद भयो। इसके बाद में जोर से बोलो, हाँ इसलिए नंद के आनंद भयो, ये कौन है, श्री नंद के लाला है, इसलिए उनका स्थापन करते हैं। बोले वसुदेव नंदन देव के नंदन नहीं, ये नंद नंदन श्री भगवान कृष्ण जो वृंदावन में मैया जसोदा के कोख से जो जन्म। पहले शुरू किया, सबसे पहले हम सतगुरु चरण का आश्रय करके सतगुरु से हरि नाम लेकर कुछ भगवान के साधन भजन करें, जो कुछ जीवन में करते हैं काम मन और भाग्य से सब भगवान के लिए करें, भगवान की कथा सुने, और लास्ट जो श्लोक कहते हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, बोले जीवन में व्रत कर, जैसे हम व्रत रखते हैं ना कि उसी तरह जीवन में व्रत किया, बोले स्वप्रिय नाम, इसलिए कल जो मुख्य बोला नाम आता रहा और सुमेर सुमेर कर, इसलिए अगर जीवन में शांति बनाना चाहते हो, श्री नव जोगेंद्र कहते हैं जीवन में भगवान का नाम को ही जीवन का सर्वस्व बना। अब हनुमान जी को देखो, बोले सुमेरी पवन सुत पावनानु आपन बस करे राखे राव। हनुमान जी तिरुपति पर क्या करते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन, बोले भोले बाबा क्या करते हैं, बोले महामंत्र जय जपत महेशा काशी इसलिए माता जी आठ हाथ में लिखने की माला है, तीन बार ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। बोले गणेश जी, बोले माही माजा सो जाओ प्रथम नाम प्रभाव, गोस्वामी जी उदाहरण करते हैं जगत में जिसको जितने पूजा हो रही है उसको उतना पूजा हो रही है जो जितने भगवान का नाम जप, मीरा दिन भर क्या करती है, एक तो मीरा दिन भर क्या करती है, मेरो गिरिधर गो पाला मैं तेरी तो मीरा, मीरा क्या करती, वो भी हरिनाम करती। नारद जी क्या करते, यहाँ पर कहते अगर जीवन का व्रत बना तो किसी की हरिनाम, महाप्रभु कहते हैं कि सहने की भोजन की बाजार में माला तो क्या करोगे, लेकिन हम पैसा तो पकड़ में लेकर जा रहे हैं, माला नहीं रखते,
ये सारे छूट जाएंगे एक दिन, जब अंतिम समय आएगा ना, पत्नी रो रोकर दरवाजे पर चलेगी, परिवार का बस शाम तक चलेगा, आगे क्या चलेगा? बोले पायो जी ने राम रत्न धन पायो, अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात होना है, यही बोलेंगे ना। इसलिए क्या करो, अपना पास में माला रखो, भले ही कभी पैसा रखना भूल जाओ, लेकिन माला रखो। इसलिए लास्ट में यही तुम्हारी काम आएगी, ये बेटा बेटी नाती दुकान बता कोई समझ साथ में आएगी, जाने वाले नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इन्हीं की इन्हीं को सुख देने के लिए जिंदगी को लगा देते हैं। अभी तक आपको प्रश्न करते हैं, अभी तक किसको संसार में सुखी कर पाए? पति की सेवा करते करते सुखी कर पाए? बेटे की सेवा करते करते सुखी कर पाए? ये जीवन में किसी को भी सुखी नहीं कर सकते हो, दुनिया में किसी को तुम सुख नहीं कर सकते हो, लेकिन केवल भगवान इतने दयालु, उनके थोड़ी सी कर लो हमारा कितना है, लेकिन हम की सुख छोड़ गए ना, केवल दुनिया में आने की सुख में लग जाते हैं, और लास्ट में बुढ़ी बात नहीं लगा ले जाते, हाथ फंसा लिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एवं प्रतः, जीवन में एक चीज के व्रत रखो, बोल हरे कृष्ण बोलो जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भगवान का नाम नहीं व्रत रखो, लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर देखो, मिश्री तो मीठा है, मिश्री खाए हो सब, बताओ तो मिश्री कैसे लगता है? मीठा मीठा है ना, लेकिन कभी कभी देखना मिश्री किसको कड़वा लगता है, आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगता है? जिसको जॉन्डिस होता, कौन बोले रहा था? जिसको जॉन्डिस होता, हाँ, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए ना, जड्डी सी हो जाए, मिश्री तो मीठा है लेकिन उसको मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम तो मीठे से भी मीठा है, भगवान का नाम, लेकिन किसी किसको कड़वा लगेगा? बोले किसको कड़वा लगता है? बोले जिसको पाप। इसलिए श्री नारद जी जब वाल्मीकि को बोले, बोले राम बोलो, उसके मुंह से नाम नहीं निकला, बोले क्यों? वो पापी है। किसी दुनिया में भी देखना, दुनिया को दिन भर लपड़ करते हैं जीव में, लेकिन बोले थोड़ा हरि नाम करके नहीं नहीं कर सकते, क्यों? पाप है, वो पापी वो व्यक्ति है, इसलिए मुंह से भगवान के नाम उसकी नहीं निकलती है, फिर उसको उपाय कर दिया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे चट्टी सीखने पर उसको मिस्त्री भी कड़वा लगती है, भगवान का नाम तो मीठा अभी हमें मीठा नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते थे, बोले देख मिश्री तो मीठा लेकिन तेरे को मीठा नहीं लग रहा है, कड़वा लगता है, फिर क्या करनी चाहिए? पहले इतना दवा हुआ कुछ नहीं होता था, बोले मिश्री चुसा कर, लेकिन कड़वी लगने पर भी छोड़ना नहीं, उसको चुसते रहना, लेकिन चुसते 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 तुम्हारी जो बीमारी है ना वो धीरे 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 सही होने लग जाएगी, जब सही होने लग जाएगी इतने नाम मीठा लगेगा, इतने मिश्री मीठा लगेगा, फिर तुमसे छुटेगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम तुम्हें मीठा नहीं लगने पर भी माला को लेकर बैठ, मन नहीं चाहेगा हरि नाम करने के लिए, लेकिन जोर जबरदस्ती माला लेकर बैठो, रूप गोस्वामी लेकर के बैठो, क्योंकि यही तुम्हारे काम में आने वाले, और दुनिया में कोई काम में तुम्हारे आने वाले नहीं। देखो एक चीज ये सब ये संतों का कहना है, अगर भगवान को आना चाहते हो ना, सवेरे दो घंटा वक्त, शाम को दो घंटा, सवेरे दो घंटा अपना परिवार को समझिए, हमारे शत्रु नहीं समझ सकते, ये परिवार वाले हमारे शत्रु है। इसलिए भागवत में बताया स्वजनाथ दस्यु, ये भागवत कहता है सब शत्रु मेरे, इसलिए दो घंटा अच्छे तरह से डट करके भजन करो, भगवान के नाम कीर्तन उसकी आरती भगवान की हरि नाम डट करके करो, दो घंटा एक तरफ में रख दो, मतलब अभी कोई मेरे से बात मत करो एक तरफ में, उसके बाद में अपने परिवार का अपना मित्र समझो, मैं शाम को जब काम में आता हूँ फिर दो घंटा ये परिवार को शत्रु समझो, ये हमारे सबके सब शत्रु, ये सबके सब शत्रु हमारे, इनको एक तरफ कर दो,
दो घंटा फिर शाम को बैठ करके गीता पढ़ो, भगवान रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के नाम ठाकुर आरती करो, फिर अपना परिवार को अपना मित्र समझो। ये संतों का कहना है। इसलिए हमें इसलिए सिर्फ गुरु गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम तुम अच्छे नहीं लगने पर भी बैठो, बैठ करके मन को समझाओ और माला करो, क्योंकि लास्ट में यही तुम्हारी काम आएगा और कोई तुम्हारे काम आने वाले हो ही नहीं, एक सुई धागा भी काम आने वाले नहीं। इसलिए जाता राग कहते ऐसे हरिनाम करते करते होगा क्या, बोले धीरे 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 तुम्हारे नाम का प्रति अनुराग करते, नाम इतने अच्छी लगेगी फिर दुनिया में और कोई चीज इतनी अच्छी नहीं लगेगी। फिर लगेगा नहीं कब माला खत्म हो, टीवी देखेगी नहीं, कब घर का काम खत्म हो, कब माला खत्म करे, ये भावना है। फिर उसके बाद में बोले द्रुत जीत उज्जयी, बोले उसको बाद में तुम्हारे हृदय भगवान के प्रेम से द्रवीभूत हो जाएगा। लेकिन हृदय जब द्रवीभूत होगा उसके बाद में क्या होगा, जैसे टीवी में सीरियल होते हैं ना, ऐसे तुम्हारे हृदय में भगवान की सीरियल होता है, भगवान की मिट्टी में भी सुंदर सुंदर प्राकृति की लीला देखने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे, बोले हसत्य था प्रभु की लीला देखकर तुम हंसने लग गए, हाँ 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 करके, क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन की। इसलिए श्री कृष्णाचरण ठाकुर कहते हैं बोले कौन सा लीला देखा, एक लीला सुना है, बोले एक समय कृष्णा किसी गोपी घर में मक्खन चोरी करने गए, वो गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन रख करके रख दी थी कृष्ण के लिए और कोण में छुप करके बैठे थे। इतने में कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे कोई है नहीं, कृष्ण अंदर में धीरे धीरे गए और मटकी को उतार मक्खन खाने लगे। वो गोपी कुछ बोली नहीं, लेकिन जब मक्खन खा लिया ना गोपी झटपट बोले कहाँ जा रही, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, बोले गोपी आज छोड़कर मैं कल से कभी तेरे पास नहीं आऊंगा, बोले नहीं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, बोले तेरे खसों का पाप पड़ता, तेरे नणंद की, तेरे जेठ की, तेरे पाप पड़ता छोड़ दे, बोले नहीं आज तेरे को बांध करके रखूंगी, रख के खबे को हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे अपना जो फेटा था ना रिबन था उसको निकाली, कृष्ण को बांधने के लिए गई ना, भगवान का हाथ तो बड़े कोमल है, मक्खन से भी कोमल है और बंधने की संख्या है। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने खुद कभी बंधी गई है कि, बोले नहीं, बोले जब तक तुम बंधी नहीं जाओ बांधना किसी को कैसे, बोले तेरे को बांधना आता है, बोले और क्या तुम्हें सिखा दे, बोले रख खबे को बंद सिखा दे। इतने लोगों को खबे को बंद रखे, कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे तीन लपेटे एक कांड दो कांड अच्छे तरह से बांध दिए, बोले कटिया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, बोले तेरे को क्या, मैं तो बड़े बड़े योगियों को ज्ञानियों को बड़े बड़े कर्मियों को बोले आत्मा रामस्थ हो निर्गम का भी अहित, इसलिए जो आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े योगियों को भी अपना प्रेम रज से उन्हें मैं बांध देता हूँ। बोले कटिया खोल के, बोले गोपी अभी तक तो मैंने इसको खोलना सीखा है, मैं तो केवल सबको बांधना ही सीखा, बस कृष्ण अपना दिन में बांध दिया। इसलिए देखो भगवान जब नाम जब करेंगे ना हृदय से जब सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, फिर भगवान की बड़ी मीठी 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 लीला प्रकट होने लग जाएगा। इसलिए कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और प्रभु का प्रेम में डूब जाते हैं, बोले कैसे, बोले केवल हरिनाम से, ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्या करना, हरि नाम, गुरु जी ने जो माला दी माला याद रखना, माला जपने ये माला को भगवान कृष्ण आए, अगर माला नहीं किया मतलब है गुरु जी कहते थे तुम भगवान जैसे एक दिन स्नान मत करो, तुम कपड़ा मत बदलाओ, मन मत खाओ के अच्छे लगे, माला नहीं किया था मतलब भगवान स्वयं आज कितने बहाने वाली हो गया, उस समय कोई बहाने वाली नहीं चलता,
इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते भैया अगर तुम्हें शांति और सुख मिलेगा तो किसी से मिलेगा और दुनिया में कोई भी तुम्हें शांति सुख दे नहीं सकता देगा तो ये हरिनाम ही देगा, ठीक है ना। इसलिए हरिनाम को नियम करके महाप्रभु कहते हैं यह जब उद्या सवे करिया निर्बत तो नियम करके हरिनाम जब करो फीस नंबर भगवत ने माला हमें करना है, ठीक है। बोला हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम।